सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर जथेदार तख्त श्री पटना साहब बड़िया प्यार वाली गाथावं आप जी ने सांझियां कर रहे थे क्योंकि प्यार नाल भरे हुए ने ते प्यार ही अंदर निकलता है। इस स्थान के उत्ते इन्होंने काफ़ी समय रह के महापुरखों तो बड़िया जीवन सिद्धां प्राप्त कीतियां ने उन्होंने कुछ आप जी सांझियां कर रहे सन। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बेनती करूँगा सत्कार जो बाबा हरपाल सिंह जी नूं बाबा गुरपाल सिंह जी नूं और उन्हां दे नाल होर दो भाई जसवीर सिंह जी नूं जथेदार अबियाणा जी नूं कि पंज सिंह इस स्थान वालों सिंह साहब का सन्मान करन। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हां दे नाल ही आए बड़े ही सत्कारयोग जथेदार सरदार कुमिकर सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा गुरु नानक बड़ी संगत बड़ा बाजार कलकत्ता के मैंबर प्रबंधक कमेटी तख्त श्री पटना साहब उन्होंने बेनती है वह भी गुरु की आसीस सरोपा प्राप्त कर लैन। बोले सोनिहाल। बड़े सत्कार जो जथेदार बाबा सुखजीत सिंह जी संगरूर वाले जिन्होंने आप जी ने पहला कीर्तन नाल निहाल किया उन्होंने बेनती है भी वह गुरु की बख्शिश प्राप्त कर लैन। बोले सोनिहाल। साढ़े बड़े इस्तकार जो सरदार हरभाग सिंह जी देसू माजरा जो इस ट्रस्ट के नाल शुरू तो ही जुड़े हुए ने प्यार वाले ने समाज सेवक ने उन्होंने बेनती है वह भी गुरु की बख्शिश सिरोपा प्राप्त कर लैन। सरदार हरभाग सिंह जी देसू माजरा। बोले सोनिहाल। साढ़े बड़े ही सत्कारयोग सरदार अमनदीप सिंह जी अबियाणा जो कि समाज सेवक ने महापुरखों के नाल बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कल भी दर्शन दिए अज भी इस स्थान पर पहुंचे ने उन्होंने बेनती है कि गुरु की बख्श आशीष ये प्राप्त कर लैन। बोले सोनिहाल। सो बॉम्बे वाले बांसल साहब ने बेनती है जे कि लागे हो भी स्टेज पर पहुँच जा उन्होंने भी सन्मान होना है। बांसल साहब बॉम्बे तो विशेष तौर पर हर साल आते हैं। सो मैं बेनती करांगा सत्कार जो बाबा हरपाल सिंह जी को अपना आसन ग्रहण कर और 40 मिनट तक वो संगतान कीर्तन कथा गुरमत विचार के नाल निहाल कर उन्हों तो बाद ही बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले तो नाम रसीए और सिख पंथ के विद्वान महापुरश हैं इस संगत नाल इस अस्थान नाल जिन्हों का बहुत डूंगी सांझ है वह भी पहुँचने वाले हैं उन्होंने भी आप जी ने गुरमत विचार के नाल निहाल करना उन्होंने तो बाद महापुरशों का अमृत वचन होंगे। सो जिस तरह संगत आई है प्यार सहयोग श्रद्धा तुहाडे अंदर अपने आप मिसाल है बस इसी तरह एकाग्रता बना के जुड़ के बैठने की कृपालता करो। सरकार योग बाबा हरपाल सिंह जी ने बेनती है 40 मिनट तक वो आप संगतों के नाल मुखातिब होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਟਰੱਸਟ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, 1 ਨਵੰਬਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2013 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਪੂਜਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ ਮਰਿਓਤ, ਵਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਧਰੋਂਦ। ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਦੌਦਪੁਰ ਹੋਇਆ 8 ਅਗਸਤ 1918 ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਤਮ ਮਾਰਗ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਹੋਇਆ,
उस समय जथेदार ज्ञानी कवाल सिंह जी सन, उन्होंने भी जो अखी वेखियां वो सारिया जिहड़े दृष्टांत हैं उन्होंने इत्थे दसे हैं कि किवें किस तरह के करिश्मे वरते हैं। सो ऐसिया रूहां का यह दिन जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की गुरता गद्दी नूं समर्पित किया, ये महापुरशां की दूर दृष्टि है, क्योंकि जो भी समागम होण परसी समागम है इहदे विच के नाम बाणी नाल जोड़िया जावे। हुण जथेदार जी वल्लों भी वचन आया कि सारे आत्म मार्ग जरूर पढ़न। ये जिहड़ा आपां गुरबाणी दा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुरु जी की हन कदे शरीर होए नहीं, शरीर तां इह जे धारण भी कीते देह धारी तां देह धारण दे नाल जिहड़े बचन हन उह सतगुर हन, जिहड़े बचन आए हन सतगुर बचन, बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਨਾਮ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੰਤ ਮਾਹਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਸਾਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਰਖਵਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸੋਹਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਜੱਗ ਮੈਂ ਦਉ ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹੇ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਹ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾਂ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਸਲਾ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਪੇ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1:13 ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ,
इसे करके अज भी उन्होंने प्यार वराग च किन्ने प्रेमी सेवा करने वास्ते तैयार हैं। कोई हथी सेवा करता है, लंगर चले गुरशब शब्द की सांझ घर घर पहुँचाउंदा है पाउंदा है, ये बड़ी देन है। ते ओ जिहड़े दूर बैठे हैं तन मन धन, हुण तन इत्थे आ के सेवा च सफल हुंदा है, मन जदों इत्थे हाजिर हुंदा बाणी च इहदी हाजरी लगदी है, धन दी हाजरी। किड्डे किड्डे प्रेमी जिहड़े अज दे दिन ये वचन कर देण, प्रतिज्ञा लै लैण कि जिन्ने भी मैंबर बणगे उन्हां दी जिहड़ी ते हुण तीन गुणा सेवा, क्योंकि 100 रुपया ही लैनी है, 2 गुणा उन्होंने कर देनी है, 200 रुपया डॉक्टर परमवीर सिंह जी राहल हर मैंबरशिप के पिछे ये सेवा दे रहे ने। फिर कोई गिणती नहीं, पिछले साल बरसी ते 6 लाख इन्हां प्रेमियों वालों इस योगदान ये पाया गया। प्यार है, प्यार च कुरबानी है, पर प्यार की खेड कोई सौखी नहीं होंदी। ये प्यार वालों नूं पता हुंदा उन्हां महापुरशां ने किड्डियां बख्शिशां कीतियां, सारी जिंदगी अपना तन मन धन ला दिता ते सानूं ये जीवन जाच सिखाई। जन्म मरण दोहों में नाहीं जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायण हर सिउं लैण मलाए। किड्डा वड्डा ये जीवन दान, भावें कि ये अंदरों नाम मिलता है पर जुगत महापुरश दसते ने। कल भी आप विचार कीती सी कि सारे दुखां दा सारे रोगां दा इलाज की है नाम। ये जिहड़ी बाणी है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, जिहदे ये गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की गुरता गद्दी नूं समर्पित दिन, ये की बाणी की है। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरनामा, सारी बाणी ही नाम नाल जोड़दी है। नाम सारे दुखां दा सारे रोगां दा इलाज है। जे इहदे नाल जुड़ गए उत्थे तक पहुंचण वास्ते गुरु तो मंत्र लिया जांदा है, मंत्र दी कमाई करके नाम च रसवाई हुंदी है। अज भी इस पावन स्थान गुरद्वारा ईश्वर प्रकाश रतवाड़ा साहब विखे अमृत संचार हो रहे ने, जहाज लग्या है, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार, जो शरदा कर सेव दे गुरु पार उतार नहार। शरदा दे नाल भावना दे नाल बेड़ा पार हुंदा है। इस करके आओ जो सारे दुखां दा सारे रोगां दा इलाज बाणी दसदी है, रोक ला देंदी है। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना, जिहड़े डेरे अंदर लाई बैठे ने उह सारे दुख भी सारे रोग भी दूर हो जाणगे। तुसीं इन्नी दूर तो शरदा भावना लैके आए हो, शरदा रूप झोली दे विच खैर जरूर पैंदी है, किड्डी बख्शिश हुंदी है, रहमत हुंदी है। सो इस जुगत नूं अपनाइए, जो जुगतियां सतपुरशां ने दसियां हन उह सारे दुखां दा सारे रोगां दा इलाज ही यही है। तेरे सारे दुखां दी है दारू, इको नाम वाहे गुरु। दुखां दी है दारू, इको नाम वाहे गुरु। तेरे सारे दुखां दी है सारे।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी इहदे नाम प्रचार प्रसार वास्ते नाम बाणी दे प्रचार प्रसार वास्ते यह परोपकारिता कार्ज इस रूहानी मिशन वालों किया गया। इस दे विच कोई बहुते प्रोफेसर साहबान दे लेख नहीं छपदे, तुसी पढ़ते ही होवोंगे सारे इस दे पाठकों के किवें अनुभव दे बचन आउंदे हन।
हुण इत्थे पुस्तकां मिलदियां हन। अज दे इस समय दे विच पढ़न वास्ते बहुत कुछ मिल जांदा है, मीडिया दा युग है, पर धन हन ऐसे महापुरश कि ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर ये सारे संसार दे विच भेजण वास्ते जो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दा वचन साकार कर रहे ने, देख तेग जग में दऊ चलै, राख आप मोहे और ना दलै, किड्डी बख्शिश है लंगर चलै गुर शब्द, क्योंकि जिहड़ी तेग है हुण उह है ये शब्द जिहड़ा इहदा प्रचार होना। देग नाम है प्रोस्पैरिटी दा, लंगर दूजे तो चलते हैं, पर जिहड़ा शब्द का लंगर वह धन हैं ऐसे महापुरश जिहड़े इस दिन नूं मनाउंदे नहीं, मनाउणा तो चलो सारयां दे वास्ते बहुत जरूरी है, उस तो भी जरूरी है कि बचन कमाउणा। सतगुर बचन, बचन है सतगुर, पातर मुक्त जनावै गो। इस वास्ते इस लंगर विच इस संस्था वालों, महापुरशां वालों, ट्रस्ट रतवाड़ा साहब वालों लखां रुपया का योगदान पाया जाता है। हिंदी दिया जिन्ना लिटरेचर है ये तो सारा फ्री है, इन्होंने कर दिता। लूटना है तो लूट लुटे पै गए, एक तरह की कोई ये प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस से तो संस्थावां चल दिया हैं, पर इस पासे वाल इन्हों का किन्ना ध्यान है कि ये बाणी का प्रचार, क्योंकि इस बाणी जो महापुरशां ने इत्थे हुण महापुरश बैठे ने रंधावे वाले, इन्हां नूं तां बहुता पता है, इन्हां दी उन्हां दे नाल दिली सांझ, जिहड़ा संत समाज का संविधान भी लिखिया वह महापुरशां ने रात नूं बैठ के सारी सारी रात विचारिया, 29 पेज वो लिखे, उन्हां दे विच ऐसे पॉइंट भी लिखे कि जिहड़े साधु संत समाज है इन्हां गल्लां दे उत्ते पूरा पहरा दवे। सो उस पासे वल ना जाइए, जाणदे हन सारा पता है। सो इस तरह के नाल जो चाहते सन के संत समाज ये करे, उन्होंने फिर इत्थे प्रैक्टिकल रूप च करके विखाया। मैगजीन कोई बहुते नहीं चले, ये हुण 25 साल तो चलता आ रहा है, इहदे विच उह बचन भी मिल जाते हैं जिहड़े सीने बसीने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो चले आ रहे ने, क्योंकि संपर्दा भाई साहब भाई दया सिंह जी तो चली राड़ा साहब रतवाड़ा साहब तक, अज ये उस परंपरा नूं पूरी बाखूबी निभा रही है। तो किड्डी बख्शिश है, रहमत है कि जो ये लिटरेचर है अज तो जिहड़ा 25 साल पहला भी छपया है, हुण उस समय दे रेट तो बहुत घट सन, पर इन्हां महापुरशां ने फिर वचन किया कि इहनूं अद्धे भेटा ते ही फ्री भी दे सकदे ने, पर कहिंदे इहनूं अद्धी ते ही जिन्नी पुस्तक दा रेट 20 साल पहला 25 साल पहला अंकित किया उह तो भी अद्धी कीमत अद्धी प्रेम भेटा लै के ये पुस्तकां दित्तियां जा रहियां हन। मैगजीन दे मैंबर बनाए जा रहे ने 300 रुपए की जगह 100 रुपया, 100 रुपया तो डॉक्टर साहब राहुल साहब ने ही सेवा ले ली, भावें बैठे अमरीका च ने, मन उन्हां दा इत्थे है कि ये सारे प्रचार फैले। सो ऐसे दिन ते जदों असीं ये दिन मना रहे हाँ, गिफ्ट भी दिंदे हाँ, ये जरूर लैके जाओ। 10-10 मैंबर बनाने कोई औखे नहीं, 1000 रुपया की हुंदा है, ते जिन्हां नूं तुसीं बना देना साल भर, ये जिहड़ा पूजा अकाल की दीदार खालसे दा परचा शब्द है, इन शब्द दे नाल परचा के रखना, क्योंकि इहदे विच दूजी गल ही नहीं, जिहड़े वो अर्थ चले आउंदे संपरदाई आ तां इन्हां महापुरशां की कृपा है कि इन्हां ने बड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके ये टकसालां चलियां हन, वो अर्थ कीते ने, वो भी आत्म मार्ग मैगजीन दे विच निरंतर छपदे आ रहे हैं। सो इस वास्ते तुहाडे चरणां दे विच बार बार यही बेनती कीती जांदी है
कि देखो महापुरश किन्ना उपराला कर रहे ने, जो अज इस मिशन नू चला रहे ने, सेहत भावे नहीं भी ठीक पर सीने खिच, जिन्हां ने खादी कर आराम न बेंदे, न्यों वाले नैणा की नींदर दिने रात पे रेंदे, इको लगन लगी ले जांदी टोर अनंत जिन्हां दी, फसलो रे मकाम ना कोई चाल पे नित रेंदे, किडियां बख्शिशां हन रहमतां हन। सो अज दे ए जिहड़े दिन चल रहे ने, कल ते अज दो दिन दा ही समागम रखिया, बहुत प्यार ते बराग दे दिन हन। सारियां संगतां दे अंदर किन्ना बराग है, प्यार है, बिन बैराग न छूट समाया। माया कोई पैसे नू नहीं कहा, माया नाम है भुलदा है माया, जित हर विसरे मोह उपजे भौ दूजा लाया। ये जिहड़ी मोह माया तो उपर उठ खड़ना है बराग तो बिना नहीं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। इस करके तुसी सारे प्यार वाले प्रेमी बैठे हो, तुहानू तां कहण दी वी लोड़ नहीं, एक तो एक वध हन। सो जरूर इस, क्योंकि मिशनरी जमात दे साडे इस घर दे विच कोई ये नहीं कि उन्हां दी ओ ड्यूटी है, बाजारी जमात नू तां अहमियत दित्ती नहीं। सारी मिशनरी बनो, अपने अंदर मिशनरी स्पिरिट पैदा करो। किन्ने मैंबर बना रहे ने, बन के फिर वह नहीं उन्हां नू घर घर भी पहुँचा रहे ने, कई रूहानी मैगजीन कोई इन्ना चलता नहीं, पर यह तो पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की कृपा है, महापुरशां की आशीर्वाद के नाल ये निरंतर 25 साल तो चलता आ रहा है। सो जाते जाते जरूर ये 10-10 मैंबर जरूर बनायो, तो नाल जिहड़ा है, क्योंकि ये बचन हुण किन्ने किन्ने उच्चे बचन आने, महापुरशां ने समा लाना है, पर बचन भुल जाते ने, मौखिक बचन साड़ी जादास दी परत ते बहुत ही देर टिकते ने, क्योंकि इस मन को मल लागी काला हुआ सा खनली धोती उजली ना हो भी जे सौ धोबण पा। किन्नी मैल जन्मां जन्मां दी लगी है, ये तो जो इत्थे आपां आ के साधुआं दे नाल मिल के बाणी पढ़ते हाँ, गाँवते हाँ, विचारते हाँ, गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए होमे बिख फैल। जिहड़ा होमे दा रोग है, आप पढ़िया सारे दुखां दा सारे रोगां दा इलाज ये वाहिगुरु है। होमे रोग मानुक दीना, काम रोग मैंगल वस लीना। ये देखो किड्डे वड्डे वड्डे रोग ने, चलो ना तई कि साडे सारे पंजे ने, असाध रोग ऐसे ने, पर ये सारिया दुखां दा रोगां दा इलाज जदों असी ऐसे सतपुरशां दी जुगत अनुसार नाम जपदे हाँ, फिर आप मुक्त मुक्त करे संसार। इत्थे स्टेज ते महापुरश सबजैक्ट दिंदे, रंधावे वाले महापुरशां नूं तां कहिंदे जिहड़ा मर्जी सबजैक्ट दे दो ते बोल ही लैणा है, पर उन्हां दा इक वैदांती नूं इह सबजैक्ट देना कि माया ते बोलो। हुण उह माया जिहड़ा वैदांत है 100% तक जिहड़ा इह गुरबाणी दे नाल 99% तक तां चलदा है, 1% ते जाके इस तो अलग हो जाता। उन्हें कह दिता कि माया अनादि है, महापुरशां ने फिर उहदे उत्ते 45 मिनट लाए कि नहीं ये तो अपनी माया आप पसारी, आपे देखणहारा नाना रूप धरे बहु रंगी सब तेरे हे न्यारा। जिवें कल भी महापुरश दसदे सन कि कदे किसे दा दिल नहीं दिखाया, ये नहीं आख्या कि इहनूं अगे पता नहीं आउंदा नहीं, नहीं तो विद्वता दिखाउण वास्ते कह देंदे ने विद्वान लोग, पर महापुरशां ने बचन प्यार नाल कहना कि इन्हां दा समां समाप्त हो गया सी, इस करके इस तों अगे गल नहीं कर सके, उत्थों ही महापुरशां ने गल शुरू कर देनी। सो इस तरह उन्हां ने दसणा कि तां माया बराबर दी शक्ति नहीं, तां उन्हें आप पैदा कीती, आप पसारी आ, कुदरत है, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, बाकी नाई पाक एक ऐसी कुदरत है। जो ओ महापुरश पौड़े अनुभव दे बचन नित नवे साहे मेरा नवा नवा ही बचन आउंदा अनुभव चो आउंदा। सो इस करके बार बार ये बेनती कीती जांदी है कि इत्थे जिहड़ा ये लिटरेचर है
मैगजीन है होर मीडिया के राही भी प्रचार होंदा क्योंकि बड़ियां दे बचन महापुरुषों ने सफल किए जो 1973 का बचन संत महाराज राड़ा साहब वालों का इन्हां प्रथाए आया इन्होंने उस प्रैक्टिकल रूप दे विच ए करके विखाया ते इस करके ये दिन मनाउण दे नाल असी अपने मन नू मनाइए ते जांदे जांदे जरूर ये लैके जाइए इहदे नाल सारे साडे दुख भी सारे रोग भी दूर हो जाएंगे। सो बहुता समा ले लिया इस करके समय दे विच रहिंदे होए आप जी तो खिमा दे जाच